जब किसी संत आश्रम के पास आप जाते हैं या किसी संत के मिलने से जाते हैं तो अपनी आस्था लेकर के जाते हैं। और आस्था में क्या है आपके में, जैसे कोई जुआ वाला जाता है तो वो कहता है हम जुआ जीत जाएं, शराबी कहता है कि मुझे दारू के पैसे कहीं से आ जाएं। अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के जाते हैं। सट्टे वाले कहते हैं कोई नंबर हमारा फंस जाए। अपनी अपनी आस्था लिए घूमते हैं संसार में, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं संत आश्रम में, कहीं कोई दिव्य शक्तियां हो उस जगह जाते हैं लोग। लेकिन जो साक्षात्कार दर्शन हेतु जाते हैं उनका कह क्या महत्व है, उस महत्व से आप जीवन में क्या उतार कर सकते, क्या चढ़ाव कर सकते हैं, ये सभी की एक रचना है। बाकी के तो संत एक बल्ब की भांति होता है, जैसे बरसात में जब बल्ब जगाया जाता है तो उस बल्ब के पास काफ़ी परिंदे आते हैं, क्योंकि संत को गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हर जीव का खिंचाव रखने की उनमें सक्षमता आ जाती है। वो इतने साधक हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जो जीव आत्मा मानव हो या और भी जीव हो या कोई संत हो या महात्मा हो, उनकी स्थिति अगर बढ़ रही है तो उनका 14 एरिया में उनके ज्ञान की चर्चा या उनके रूप की चर्चा या उनके स्वभाव की चर्चा या फिर उनके जो मनोशक्ति है उसकी चर्चा या उनके लगन की चर्चा, मतलब हर चीज़ सी विस्तृत होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना महान हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है, तो लोग उससे अवश्य मिलने के लिए पहुंचते हैं। अब उसमें आस्था लिए कि कुछ लोग जाते हैं कि हमारा शायद ये काम वहाँ से हो जाएगा, अगर उसकी आस्था में मजबूती है, दम है, तो अवश्य उसका काम होगा। दर्शन मात्र से, संत के दर्शन से आपकी मनोकामना सिद्ध भी हो जाती हैं। जैसे आपका मन का विचार कहता है कि हमारे गुरुदेव के यहाँ जब हम जाते हैं तो हमारा काम जरूर अवश्य हो जाता है, तो उसकी आस्था का खिंचाव है, उसकी आस्था की मजबूती लिए चला जाता है। लेकिन गुरु होता क्या है, परमात्मा होता क्या है और संत होते क्या है, ये संत सबसे बड़ी, जैसे बरसात में बल्फ जब जगता है तो वहाँ परिंदे आ ही लगते हैं, क्योंकि बल्फ की एक रोशनी उनको खिंचाव करती है परिंदों को, जो परिंदे वहीं बल्फ से आके वहीं टकरा टकरा के मर जाते हैं और उठने का मन नहीं करते, वहाँ से जागने का, जाने का भी मन नहीं करते हैं, यही सत्य है। और जो संत हैं वो एक मणि की तरह होते हैं, जो स्वयं अपने अंदर भी उजागर करते हैं और बाहर भी उजाला करते हैं, ये चारों दिशाओं में उजाला करते हैं। और जो लोग होते हैं उनका खिंचाव उन गुरु, उन परमात्मा, उन संतों के प्रति इतना हो जाता है कि अपनी आस्था लेकर के घूमने जाते हैं। जब गुरु से मिलने जाते हैं या किसी संत से मिलने जाते हैं तो उसका महत्व तो क्या है, इसका महत्व तो सबसे बड़ा ये है कि जैसे आपकी कोई पड़ोसी हो, वो पड़ोसी आपका किसी बर्तन को लेके आपके मांग के ले जाए अपने घर पर, उसमें गरी, छुआरे, किशमिश, काजू, बादाम, काफ़ी पिस्ता चीज़ें उसमें कूट पीस करके उसमें अपना सामान निकाल ले, और अपना सामान निकाल करके उस कढ़ाई बर्तन को वापस दे आए तो उसमें सुगंध रह जाती है। वही सुगंध के लिए, खुशबू के लिए हम आप उस खुशबू को खोजते हुए उस संत या उस आश्रम
या उस दिव्य शक्ति या उस देवी या उस देवता के मंदिर में जाते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ आपकी आस्था लेकर खींची चली जाती है। वहाँ संत आश्रम में वहाँ उस संत की खुशबू दौड़ती है जहाँ उसने साधना की है, जहाँ उसने पात्र रखा है, उस संत का पात्र होता है संत आश्रम या उसका यथा स्थान। तो वहाँ क्या रह जाता है, वहाँ खुशबू रह जाती है, और खुशबू आत्मज्ञान की हमेशा चलती रहती है, ये जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए हमें जब किसी संत आश्रम जाएं या मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं, किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, तो उस जगह वहाँ इतनी खुशबू होती है, उतनी महक होती है कि यहाँ उठने का चलने का मन नहीं करता है, थोड़ा ये कहता है थोड़ा और बैठने आनंद आ रहा है, लेकिन कहीं बात नचीत हो रही है लेकिन आनंद आ रहा है। अगर कहीं सत्संग छिड़ रहा है, उस सत्य की बात हो रही है, उस परमात्मा की बात हो रही है, फिर भी आप उठने का मन नहीं करेंगे। कहते हैं कि सत्संग में आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आनंद क्यों आ रहा है, आनंद इस वजह से आ रहा है कि उस संत ने वहाँ इतना तपोबल कर लिया है कि उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसकी महक की वजह से आप वहाँ से उठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको आनंद आ रहा है। अगर आपका मन शांत है, इंद्रियां शांत हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आनंद आपके मकान, मंदिर या घर में ही, जो मनुष्य की जो आत्मा रहती है, जहाँ निवास स्थान है उसके शरीर में, वहीं खोज कीजिए, तो सबसे बड़ा उसका आनंद वहीं मिलेगा। कहीं उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी जाइए तो अपनी आस्था को लिए घूम रहे हैं, जैसे वन में मृग अपनी कस्तूरी को खोजते हुए वन वन गुहार लगाती है, वन वन खोजती है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, लेकिन शायद तो उसको ये पता नहीं कि ये सुगंध हमारी ही मृग थैली से आ रही है। जो मृग की थैली होती है, कस्तूरी जहाँ रखी होती है, उसी कस्तूरी को खोजते हुए वह बन बन घूमता है, लेकिन जो आपकी जीव आत्मा है वही मृग कस्तूरी है। वो इतनी महक घुमा रही है, इतनी खुशबू बिखेर रही है कि उस खुशबू को ढूंढने के लिए आप बन बन जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्वयं की जो आस्था है वही सबसे बड़ी मजबूत है। जीव मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें क्या न करें, तो सबसे बड़ी आस्था अपने आप में है, उसको संभाल के रखो, उसके अपने मन के विचारों को हर समय अच्छे रखो, खुशबूदार बनाओ, सुगंधदार बनाओ, जो आपके चाहत आपके वचनों द्वारा लोग वहीं आपके मिलने आए, आपसे मिल कर के खुश होकर जाएं। जब किसी संत की मृत्यु हो जाए या वो बना रहे, इसके बाद क्या होता है, जब किसी संत की मृत्यु हो जाए, उसका मोक्ष हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, तो उसके बाद में उस संत आश्रम में जहाँ वो रहता था, वहाँ खाली जो बर्तन है उसका आश्रम, और जो उसमें तल रहा था घी छुआरे किशमिश मेवा, वो खाने वाला खा गया, लेकिन वहाँ खुशबू रह जाती है। जिसको सूंघने के लिए हम आप जाते हैं, वहाँ उसकी अकाद खुशबू, जिसमें जो बर्तन पात्र है वहाँ उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं को उसने खोजा, उसको विपरीत किया, उसको संसार में जागृत किया। लोग अपनी आस्था से जाते हैं, वहाँ नमन करते हैं, उस खुशबू का आनंद लेते हैं और कहते हैं कि आनंद आ गया इस आश्रम में, तो बड़ा आनंद आता है। तो आनंद तो उसकी तपोभूमि में होता है, जहाँ संत तप करता है, जहाँ बैठता है, जहाँ वो अपनी खुशबू को बिखेरता रहता है, इसकी वजह से आनंद आता है। आनंद अगर आपको स्वयं की खोज में करना है, तो आपकी आत्मा अपना परम आनंद देती है, उसको एक बार परमात्मा में लगा कर देखो, सदा आनंद ही आनंद आएगा। सत्य गुरुदेव सत्य वचन बोलिए, हमेशा शुद्ध रहिए, साफ वस्त्रों को पहनिए,
हर समय खुशबू बिखेरते रहिए, परमात्मा को सदा याद करते रहिए, क्योंकि उसके ही संसार में, उसकी ही जीव रचना में, उसके ही काया में आपको उस परमात्मा तक की खोज करना है कि ये परम तत्व होता क्या है। अगर वो परम तत्व खोज लिया आपने तो संसार में आपकी जय जय है, जय जय है। जो संत करते हैं वही आप करेंगे तो अवश्य भला होगा, अवश्य महान होगा, अवश्य कृपा होगी उस परमात्मा की। ऐसे ही कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने जीवन की हर घड़ी, हर संभव, हर आस्थाओं को मजबूत करते रहिए, जो आपका भला होगा और परमात्मा तत्त्व आपका अवश्य भला कर देगा। अपनी आत्मा के विचार आपको हमेशा तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा ये एक उद्देश्य मात्र है कि हर जीव का कल्याण हो, हर जीव का भला हो, हर जीव सुंदर हो, हर जीव अच्छे से हो। सबसे बड़ी महत्व यही में है। सत्य गुरुदेवाय नमः।